अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक अहद और रिएक्ट जीएस से रिलेटेड ये हमारी सेकंड वीडियो है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट क्या है, रिएक्ट को किसने बनाया और मतलब किसने उसको डेवलप किया और कहाँ कहाँ पे रिएक्ट यूज़ होती है, ठीक है। उसके कुछ मैंने आपको एडवांटेजेस बताए थे और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि रिएक्ट पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप रिएक्ट में काम कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपने सिस्टम पे, विंडोज़ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको जो है ना रिएक्ट यूज़ करने के लिए, सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में या आपके जो भी सिस्टम है उसमें नोड इंस्टॉल होनी चाहिए। तो नोड आपको क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, आपने सिंपली क्या लिखना है, नोड जेएस लिखेंगे तो पहला ही जो लिंक आएगा ना उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, एक रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र्स आ रहा है और लेटेस्ट फीचर्स आ रहा है। आपको वो क्या करना है कि आपने ये वाला जो वर्जन है वो वाला डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है इस तरह, तो ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर या एक दो मिनट लेगा अगर आपका नेट ज़्यादा स्लो है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है कि आपने इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ये डाउनलोड होगा हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो ठीक है। उसके बाद आपके जब तक ये होता है डाउनलोड, तब तक मैं आपको आपका जो आपने टूल यूज़ करना है, ठीक है, हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, ये वाला, ठीक है। पर्पल वाला नहीं, वो सिंपल क्या विजुअल स्टूडियो है, हमें वो यूज़ नहीं करना, हम सिंपली का यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। आप इसके अलावा और भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, मगर मैं जो काम करता हूँ या जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको ईजिली मतलब कि आपकी प्रोग्रामिंग करने में आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नोड है वो डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ओपन व्हेन डन या शो इन फोल्डर कर लेते हैं। अभी वो फाइल्स जो हैं वो थोड़ी सी नहीं हुई, तो शो इन फोल्डर करें इसको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब मेरे पास ना ऑलरेडी ये इंस्टॉल है मेरे कंप्यूटर में, ठीक है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली नेक्स्ट 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 करके आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको मैंने व्यू स्टूडियो कोड का बताया कि हम वो यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने के लिए आपके पास, अगर आपके सिस्टम में नहीं है, आप उसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ठीक है। ये आपने लिखना है, पहला ही जो लिंक आएगा वहाँ पर आपने जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप ये डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करोगे या यहाँ पे आके विंडोज़ है तो आपने विंडोज़ वाले पे क्लिक कर देना। बाकी अगर कोई और है, यूबंटू है, तो यहाँ इन दोनों में से आपने कर लेना। ये यूबंटू के लिए ये और बाकी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, और मैकबुक के लिए आपने ये वाला डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ पर आपने आके क्लिक करना है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है कि आपने उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है इसलिए मैं आपको ये नहीं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो नोड है, नोड होगी हमारे पास। दूसरा स्टेप जो है वो हमारे पास है विजुअल स्टूडियो कोड। अब ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है जी, अपनी डेस्टिनेशन अपने पास सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कहाँ पर अपना जो है ना जो ऐप है वो क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया है फर्स्ट ऐप के नाम से। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऐप क्रिएट होना वो इसके अंदर हो, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये पाथ आ जाएगा, ठीक है, ये पाथ आ जाएगा जब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे चले जाना है। न्यू टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पे आपने एक कमांड देनी है, npx create रिएक्ट ऐप, ठीक है। और यहाँ पे आगे आपने अपनी ऐप का नेम दे देना, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऐप के नाम से मैं देता हूँ। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के नाम से कुछ भी
या कैपिटल लेटर्स आप यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये क्या होगा, मेरे पास ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही क्रिएट होना स्टार्ट होगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक फोल्डर आ गया, उसमें ये सबसे पहले जो फाइल बनी है वो पैकेज डॉट जेसन की बनी है। तो ये थोड़ा टाइम लेती है अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट स्पीड, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पुश करता हूँ, जैसे इंस्टॉल होगी ये क्रिएट हो जाएगी, मैं इसको यहाँ से ही स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर पोज कर देता हूँ जी। तो यहाँ पर हमारी जो ऐप है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपने अपनी ऐप के अंदर जाना है। तो ऐप में एंटर होने के लिए आपके पास एक कमांड उन्होंने आपको बताइए कि सीडी फर्स्ट ऐप, सीडी का मतलब चेन डायरेक्टरी, इसमें जाना है अपने फर्स्ट ऐप में। तो यहाँ पे जाके आपने एंटर प्रेस करना है, आप उसमें चले जाओ। अब आपने इसको रन करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, npm स्टार्ट, ठीक है। जैसे आप npm स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो ऐप होगी वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। लोकल होस्ट 3000 पे या जो भी फ्री उसको पोर्ट मिलेगी उस पर रन होना स्टार्ट हो जाएगी, और ख़ुद ब खुद ये आपके पास ओपन हो जाएगी आपके गूगल पे, ठीक है। इस तरह से तो ये देखें आपकी जो ऐप है वो यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसका कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोड आता है तो वो आपको पता चल जाएगा कि अभी सारा। तो आई होप सो कि आपको सारी समझ आ गई है कि किस तरह आपको ऐप क्रिएट करनी है और किस तरह रन करनी है, ठीक है। तो ये सारा कोड जो है वो इस चीज़ का है, ठीक है। ये आइकन्स वगैरह लगे हुए हैं, ये टेक्स्ट वगैरह। तो ये सारी फाइल्स, इतनी सारी फाइल्स आ गई हैं हमारे पास। इन सब फाइल्स का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन सब का क्या पर्पज़ है और कौन सी फाइल हम रख सकते हैं और कौन सी फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। और लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो, एक तो आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले कि न्यू लेक्चर जो है वो अपलोड हुआ है, और दूसरा ये कि आपके सब्सक्राइब करने से एक तो मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है, और दूसरा कि इसमें क्या होता है कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर रिस्पांस मिलेगा आप लोगों का तो मुझे भी, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा शौक के साथ आपको वीडियोस बना के और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।